कई बार समझाइश के बाद भी एरोड्रम फल सब्जी मंडी के बाहर क्रेता व विक्रेता नहीं मान रहे हैं। पिछले 3 दिन से पुलिस व मंडी प्रशासन लोगों से समझाइश कर रही थी, लेकिन उसके बाद भी लोग नहीं मान रहे हैं। इस पर एक बार फिर सख्ती शुरू की गई है। पुलिस ने फिर से चालान की कार्यवाही शुरू करते हुए विक्रेताओं के चालान बनाए। साथ ही मंडी प्रशासन ने लोगों से एक बार फिर अपील की है कि चंद पैसे बचाने के चक्कर में बीमारी घर न लेकर जाए। प्रशासन ने सब्जी के ठेले वालों को गली मोहल्ले में सब्जी बेचने की छूट दे रखी है। ऐसे में लोग घर के आसपास ही सब्जी खरीद सकते हैं। हाँ, ये देखो, मंडी के बाहर वाले क्षेत्र में नगर निगम जो क्षेत्र है वहाँ पर रिटेलर्स बैठ गए, सारे अवैध लोग हैं, और उसको हटाने के लिए प्रशासन ने परसों से ही अच्छे से मुस्तैदी से काम किया है। पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग है, जिला प्रशासन का पूरा सहयोग है, वो सभी लोग जो हैं, पूरा सिस्टम जो है वो इस काम में लगा हुआ है कि वहाँ अवैध लोग ना बैठे, अनावश्यक भीड़ भाड़ न रहे। और ये सलाह दी जा रही है कि जो सब्जी वाले बैठ के कारोबार करते हैं वो ठेलों पे सब्जियां लेके और डिस्ट्रीब्यूट कर। उधर सवाई माधोपुर के बजरिया स्थित सब्जी मंडी में लोगों की भीड़ जमकर उमड़ी। सब्जी मंडी में लगी लोगों की भीड़ की सूचना पर मंटौन थाना पुलिस सब्जी मंडी पहुंची और कोरोना गाइडलाइन की पालना को लेकर सख्ती देखते हुए सब्जी मंडी बंद करवाई। सब्जी मंडी में सब्जी विक्रेताओं द्वारा कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं की जा रही थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सब्जी मंडी बंद करवाई और मंडी से लोगों की भीड़ को हटाया। इस दौरान पुलिस एवं सब्जी विक्रेताओं के बीच झड़प भी हुई।